हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इनके सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। आईएससी क्लास 12 चैप्टर 5 रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 40 तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं। अब हम यहाँ पर 42 न्यूमेरिकल्स से आगे बढ़ते हैं, तो इनमें जिन फार्मूलों का यूज होना है सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो देखो, रजिस्टर इन सीरीज, ओके, सीरीज में किस तरह से हम रजिस्टर का फार्मूले को ड्राइव, सपोज करो रजिस्टर है आपका एक, ये R1 रजिस्टर है, ये दूसरा R2 रजिस्टर है, दिस इज R3, ठीक ना, इस सीरीज में है। इसको किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, उस बैटरी का EMF कितना है भी है सपोज करो। तो देखो, हर एक रजिस्टर के नीचे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर का अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर का अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर का अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो सपोज करो जो पहला वाला रजिस्टर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप या यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना है, V1 है। I2 रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप हम सपोज करो V2 लेते हैं, क्या लेते हैं, V2 लेते हैं, और R3 का हमने क्या ले लिया, V3 ले लिया। ओके, R3 का पोटेंशियल ड्रॉप क्या ले लिया, V3 ले लिया। नेचुरल बात है कि V जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिवीजन होता है, किसका डिवीजन होता है, पोटेंशियल का डिवीजन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल बढ़ता है, करंट तो सभी रजिस्टर से कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ से I करंट निकल रहा है तो R1 से भी I करंट निकलेगा, I2 से भी R करंट निकलेगा, R2 से भी, और R3 से भी करंट कैसा रहेगा, I करंट ही रहेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है, सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है, सेम होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, डिवाइड होता है। जो टोटल पोटेंशियल, जैसे R1 के नीचे V1 है पोटेंशियल ड्रॉप, R2 V2 है, R3 का पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, तो V=V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=, क्या होता है, I × R होता है, V=I × R होगा। तो V1=, क्या हो जाएगा, करंट सेम है तो I × R1 हो जाएगा V1। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो I × R1 से निकलेगा, वह किससे निकलेगा, I × R1 से, कि R1 रजिस्टर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। V2 कैसे निकलेगा, IR2 से निकलेगा। V3 कैसे निकलेगा, IR3 से निकलेगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। रजिस्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होता है? रजिस्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रजिस्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। ओके, अभी वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे। वी वन की जगह आई आर वन लिखेंगे। वी टू की जगह आई आर टू लिखेंगे। वी थ्री की जगह आई आर थ्री लिखेंगे। अब आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई यहाँ पर हम कॉमन ले लें तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये फार्मूले का क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें इन सब को क्या करना पड़ता है? जोड़ता, सारे रजिस्टर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और हमें यदि पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो हम आर वन रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी वन इक्वल टू आई आर वन होगा। आई टू रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? वी टू इक्वल टू आई आई टू होगा। ठीक है, आई कैसे निकलेगा? आई निकलेगा इससे। देखो आई का जो फार्मूला होगा वो आई इक्वल टू वी अपॉन आर से निकलेगा। आर यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। वी क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। इससे हम आर को निकाल लेंगे। यहाँ पर यदि सपोज करो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का, तो यहाँ पर जो आर होता है वो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का। क्या होता है? टोटल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कल। सर्किट, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, यदि लिखा नहीं है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है तो हम उसे नेग्लिजिबल लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या लेते हैं? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये बैटरी है, इसका ईएमएफ भी है। ये पहला रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस आर वन है, इसका आर टू है, इसका आर थ्री है। अब यहाँ से आई करंट निकलेगा, यहाँ पर आते ही आई करंट आएगा। अब यहाँ पर देखो ब्रांचेज बनी हुई, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। नेचुरल बात है करंट का क्या होगा? डिवीजन होगा। करंट का क्या होगा? डिवीजन होगा। यहाँ पर सपोज करो आई वन करंट गया, यहाँ पर आई टू करंट और यहाँ पर आई थ्री करंट। आर वन वाले रजिस्टर से आई वन करंट पास होगा, आई टू वाले रजिस्टर से आई टू करंट पास कराया गया, आई थ्री वाले रजिस्टर से आर थ्री वाले रजिस्टर से आई थ्री करंट पास कराया गया। ओके, तो यहाँ पर किसका डिवीजन हुआ? करंट का डिवीजन हुआ। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ओके, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा। अब आपको पता है आई को हम क्या लिख सकते हैं? देखो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, ठीक ना? आई वन इक्वल टू वी अपॉन आर वन होगा। यहाँ पर देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सबका सेम रहता है। जो बैटरी का ईएमएफ है या जो बैटरी का पोटेंशियल है वो सभी तीनों का सेम रहेगा। ओके, तो आई टू को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर टू और आई थ्री को लिख सकते हैं वी अपॉन आर थ्री। ठीक है, ओके। अभी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमें आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल जाएगा। दिस इज वी अपॉन आर, दिस इज वी अपॉन आर वन, आई टू वी अपॉन आर टू,
आई थ्री वी अपॉन आई थ्री। अब देखो दिस इज वी अपॉन आर, ओके। यहाँ से वी को कॉमन ले लें तो दिस इज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वी से भी कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला का अपना डेरिवेशन हो गया, वन अपॉन आर वन इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, ओके। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, अंडरस्टूड, क्लियर। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कैसा रहता है, सेम रहता है। वो करंट कैसे, आई वन से कितना करंट होगा वो वी अपॉन आर वन से पता चलेगा, आई टू में कितना करंट पास होगा वो वी अपॉन आई टू से पता चलेगा, आर थ्री में कितना करंट पास होगा वो वी अपॉन आर थ्री से। कहने का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आई होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मीनिंग है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट जाएगा, वो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, क्लियर। यह इनवर्सली का मतलब है, ठीक है, क्लियर। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और जो करंट बहता है वो आर वन आर टू आर थ्री के रेशो में होता है। जैसे मान लो अपन को करंट किस रेशो में होगा, वन अपॉन आर वन इज टू वन अपॉन आर टू इज टू वन अपॉन आर थ्री के रेशो में होता है। रेशो प्रोपोर्शन का यूज करके भी हम करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बिना वी को पता किए हमें, ओके। रेशो प्रोपोर्शन का यूज करें, रेशो का यूज करेंगे हम तो इनका जो रेशो होगा करंट की डिवीजन का वो वन अपॉन आर वन इज टू वन अपॉन आर टू इज टू वन अपॉन आर थ्री होगा, ओके। और यदि हमें टोटल करंट पता है तो हम पता कर लेंगे आई वन आई टू आई थ्री में कितना करंट बह रहा है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, 42 न्यूमेरिकल नंबर 42। हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। हमारे पास एक 2 ohm का, एक 3 ohm का, एक 6 ohm का रजिस्टर है और हमें 4 ohm चाहिए है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए है, 4 ohm चाहिए है, ये 2 ohm का 3 ohm का। अब देखो यदि हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे सारे के सारे, 11 आएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए है। अब यदि हम इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, चलो चेक करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख के, तो 1/r इक्वल टू कितना होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 होगा। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6/6। तो 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू क्या होगा, 1 ohm होगा। अब इससे पता चलता है कि यदि हम पैरेलल में रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वह उन वैल्यू सभी से कम होगा। देखो सबसे यहाँ पर छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो वो 2 से भी कम निकला पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें कैसा कितना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए है, इसमें 4 ohm चाहिए है, आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए है, 4 ohm। तो सीरीज से कितना निकल रहा, 11 निकल रहा, पैरेलल से कितना निकल रहा, 1 निकल रहा। अब हमें कुछ पैरेलल में लेना पड़ेंगे, कुछ सीरीज में लेना पड़ेंगे। हम इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, देखो ये 2, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, देखो 3 और 6 को जब हम पैरेलल में ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो 3 से छोटा निकलेगा, किससे छोटा निकलेगा, 3 से। अब इन दोनों को हम पैरेलल में ले लें, क्या ले लें, पैरेलल में, तो देखो दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm, ठीक ना। अब देखो
हमें पता है जो 3 और 6 का रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि हमने इसे पैदल में जोड़ा है, वो 3 से कम निकलेगा। हम चेक करते हैं यदि 2 निकल आता है तो अपना काम बन जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6। 1/r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला है, 2 निकला है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जोड़ेंगे हम उन्हें, तो दिस इज इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। ओके, अंडरस्टूड। तो हम देखो 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे और उन दोनों के कॉम्बिनेशन के हम 2 को सीरीज में जोड़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये आंसर है आपका, दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट देखो, ज्वाइन 3 3 ओम रेजिस्टेंसेस टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जो 3 ओम के हैं। ओके, पहला रजिस्टर 3 ओम का है, दूसरा रजिस्टर भी 3 ओम का है, तीसरा रजिस्टर भी 3 ओम का है, और हमें उनको जोड़ना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिले, 2 मिले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिले, 2 मिले। तो देखो हम इसको चेक करते हैं, देखो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। सीरीज में यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। पैदल में जोड़ के देखते हैं, पैदल में हम जोड़ेंगे तो 3 से कम आएगा। तो देखो पैदल में हम जोड़ते हैं, 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा आपका 3/3, तो r यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम पैदल में नहीं जोड़ेंगे उनको, तीनों को पैदल में नहीं जोड़ेंगे, तीनों को सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। अब देखो इस तरह से हम लेते हैं, अब देखो ऐसा करते हैं, हम 2 को सीरीज में ले लें, 3 ओम है, ए 3 ओम है, इसके 1 को पैदल में ले लें हम इस तरह से, ये 3 ओम है। अब इसको हम चेक करते हैं, देखो ठीक है, इन दो पहले दो को हमने किस में लिया, सीरीज में, इन्हीं 2 के पैदल में हमने 3 ओम को लिया, तो देखो ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब इसका हम चेक करते हैं, 1/r दिस इज 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3/6, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। r इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दिस वन इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा 44, उस नंबर 44 को देखते हैं हम लोग। देखो अ 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम, द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इज 7 ओम, फाइंड एन। ओके, देखो एक रजिस्टर है 5 ओम का, इज कनेक्टेड इन सीरीज, उसको किस में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, किसके, इस तरह से बनेगा। ये देखो ये 5 ओम का रजिस्टर, इसको 6 ओम रजिस्टर, बहुत सारे एन रजिस्टर हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, कितने रजिस्टर हैं, टोटल एन रजिस्टर हैं, और उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ रहा 7, तो 7 कब आएगा, इसका 2 चाहिए हमें, कितना चाहिए, 2। तो इनको हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस प्लस अप टू एन टर्न,
तो कितना हो जाएगा, 1/r = n/6। देखो दो को हम जोड़ेंगे तो 2/6 आएगा, 3 को 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 3/6 आएगा, 4 को जोड़ेंगे तो 4/6 आएगा। तो यहाँ पर ऐसे n हैं, इन n को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n/6 आएगा। 1/r = n/6, तो r = क्या हो जाएगा, 6/n हो जाएगा। अब r इक्विवेलेंट कितना है, 5 + 6/n के इक्वल होगा, 5 a है और 6/n a है। ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 7, तो 7 = 5 + 6/n, 7 - 5 = 6/n। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, यदि हम सपोज करो n रजिस्टर, ओके देखो n रजिस्टर को, देखो यहाँ पर ये देखिएगा आप, इफ इफ इसको देखिएगा, इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, r/n होगा। जैसे यहाँ पर 6 ओम के रजिस्टर को, n रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो r इक्विवेलेंट कितना आया था, 6/n आया था। तो यदि हम आर रजिस्टर हैं n, बहुत सारे n रजिस्टर हैं जिनका रजिस्टेंस क्या है, r है, और यदि हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, r/n होगा। अब यदि सीरीज में है, मान लो सपोज करो वो किस में है, सीरीज में है, इफ n, इसको देखिएगा, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर, दिस वन, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टेंस r आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन r इक्विवेलेंट कितना होगा, nr होगा। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, 45 की ओर बढ़ते हैं। 3 रजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर ज्वाइंट इन पैरेलल, कैसे ज्वाइन किए गए हैं, पैरेलल में ज्वाइन किए गए हैं। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रजिस्टेंस, यहाँ पर सेल का जो बैटरी का इंटरनल रजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। फाइंड इक्विवेलेंट रजिस्टेंस करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, देखिएगा इस तरह से कनेक्ट कर लिए हमने, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 5 ओम है, 20 वोल्ट से कनेक्ट कर लिए गए, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे भाई। कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, 1/r = 1/2 + 1/4 + 1/5, LCM लिया 20 आया, तो 20/r क्या की वैल्यू आ जाएगी, 20/19 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी r की वैल्यू, 20/19 आ जाएगी r की वैल्यू। ओके क्लियर, इसमें हम ओम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ओम। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी, तो i = क्या होगा, v/r होगा, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो v कितना है, 20 है, r कितना निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 20/19, तो ये 19 एम्पियर हो जाएगा। फोर्थ में उसने पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ में, सी में ये पूछा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के कितना करंट होगा, तो वो हम समझते हैं। देखो i1 ये सपोज करो इसमें i1 है, इसमें क्या है i2 है, इसमें क्या करंट आ रहा है, i3 करंट आ रहा, तो i1 करंट कैसे निकलेगा, v/r1 से, तो दिस इज 20/2 = कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। i2 करंट कितना हो जाएगा, 20/4 = 5 एम्पियर। i3 करंट कितना होगा, 20/5 = 4 एम्पियर, कितना होगा, 20/5 = 4 एम्पियर। ओके अंडरस्टूड, विथ थर्ड का सी का आंसर हो जाएगा अपना। ओके क्लियर। 46 150 ओम इलेक्ट्रिक हीटर कैन टेक अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1.1 एम्पियर, व्हाट मिनिमम रेजिस्टेंस शुड बी ज्वाइंड
इन सीरीज विद इट सो दैट इट मे बी ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट मेंस। ओके, कोई इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 150 ओम है, और 1.1 एम्पियर मैक्सिमम करंट को है, हीटर कैन टेक अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1.1 एम्पियर। तो देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो सकता है हीटर के पास। ओके, तो दिस इज 150 इंटू 1.1 से हम उसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो ऐसे करेंगे, इस तरह से उसे देखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना दिया हुआ है, 150 ओम दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट थ्रू हीटर 1.1 एम्पियर दिया हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, हीटर का जो कॉइल होगी उसके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप, भी इक्वल टू IR से निकलेगा, तो 1.1 इंटू 150 इक्वल टू 165। अब यहाँ पर जो हीटर है उसका जो पोटेंशियल कितना है, 165 है, कितना है, 165 वोल्ट है। ओके, उसका हीटर का पोटेंशियल कितना है, 165 वोल्ट है, और हम इसे 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। किसे कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट सप्लाई से सीरीज में कनेक्ट किया गया है इसे। तो देखो करंट तो सेम बहेगा दोनों में, यहाँ पर भी कितना करंट आ रहा है, 1.1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से भी 1.1 एम्पियर करंट निकलेगा, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा होता है, सेम होता है। अब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 220 माइनस 165 इक्वल टू 55 वोल्ट होगा, कितना होगा, 55 वोल्ट होगा ये। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो 55 अपॉन 1.1 इक्वल टू 50 ओम होगा, क्या हो जाएगा, 50 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 47, एन आर्क लैंप ऑपरेटेड एट 80 वोल्ट टेक्स 10 एम्पियर करंट, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लैंप टू यूज इट एट 220 वोल्ट मेंस सो दैट इट टेक द सेम करंट। ओके, तो सेम क्वेश्चन है इसी जैसा, सेम इसी जैसा क्वेश्चन है 46 जैसा, कि कोई आर्क लैंप है, ठीक है, ये कोई आर्क लैंप है और ये 10 एम्पियर करंट मैक्सिमम हो सकता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 80 वोल्ट है, तो बताइए सीरीज में कौन सा रजिस्टर जोड़ा जाए, ये बताना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा, देखो 240 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो 160, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 160 होगा। ओके, इस तरह से 160 वोल्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब हमें R को फाइंड आउट करना है, करंट 10 एम्पियर इससे आ रहा है तो 10 एम्पियर करंट इधर भी आएगा, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, तो 160 अपॉन 10 इक्वल टू 16 ओम का रजिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, 16 ओम के रजिस्टर को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 48, अ फिलामेंट लैंप ऑफ 200 ओम रजिस्टेंस इज यूज एट 150 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच रजिस्टेंस शुड बी ज्वाइंड इन सीरीज विद इट टू यूज इट एट 210 वोल्ट। सेम इसी जैसा है। ओके, इसको हम करते हैं, देखो ए बल्ब लगाया गया जो 200 ओम का रजिस्टर है, और 150 वोल्ट वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर हो सकता है, और 210 वोल्ट से हमने उसे क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, तो इस यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज 210 माइनस 150 इक्वल टू 60 वोल्ट होगा, कितना होगा, 60 वोल्ट होगा, यहाँ पर कितना होगा, 60 वोल्ट होगा।
ओके, करेंट थ्रू बल्ब I इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आर है, दिस इज 150 अपॉन 200, तो I इक्वल टू हो जाएगा 3/4 एम्पीयर। ओके, जो कि इससे हम करंट निकाल सकते हैं कि बल्ब से कितना करंट बहेगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, वी हमें कितना दिया हुआ है 150, आर हमें कितना दिया हुआ है 200, तो 3/4 एम्पीयर करंट उससे क्या होगा, बल्ब से पास होगा, इतना ही करंट रजिस्टर से पास होगा। ओके, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, करंट थ्रू रजिस्टर 3/4 एम्पीयर आ गया, तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई 60/3/4, तो 80 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्टर जो होगा हमें कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, 80 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसे 210 वोल्ट सप्लाई से उस बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ईच ऑफ टू बल्ब टेक्स 2 एम्पीयर करेंट एट 50 वोल्ट सप्लाई। दो बल्ब हैं जो 2 एम्पीयर करेंट लेते हैं और 50 वोल्ट सप्लाई पर काम करते हैं, दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, हाउ मच रजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद लैम्प सो डैट ऑन कनेक्टिंग दैम विद 120 वोल्ट सप्लाई करेंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ दैम। ओके, इस तरह से है, ये दो बल्ब हैं जो मैं 2 एम्पीयर करंट लेते हैं 50 पोटेंशियल ड्रॉप पर। ओके, अब इसे 120 वोल्ट से हमने क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, तो नेचुरल बात है कि यहाँ पर कितना आएगा, 120 -50 -50 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, कितने वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 20 वोल्ट की। ओके, 120 -50 -50 इक्वल टू 20 वोल्ट। अब यहाँ पर कनेक्ट सेम रहेगा, 2 एम्पीयर पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, R इक्वल टू वी अपॉन आई, वी 20 है, आई 2 है, तो 10 ओम के रजिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, 10 ओम के रजिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 50, 3 रजिस्टर आर ज्वाइन टू फॉर्म अ ट्रायंगल, ए बी सी, रेजिस्टेंस ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी ए आर 40, 60 and 100 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो इस तरह से है कि हमने, दिस इज ए बी सी, ये 40 ओम है, ये 60 ओम है, ये 100 ओम है। अब ए और बी के क्रॉस पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके क्रॉस पूछा है, ए और बी के, तो यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर करंट का देखो, जब करंट यहाँ पर सपोज करो आई करंट निकल रहा है, यहाँ पर भी आई आएगा, यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा, सपोज करो यहाँ पर आई वन करंट आ गया, यहाँ पर आई टू करंट आ गया, अभी आई वन करंट चला इधर आया, इधर आया, यहाँ भी आई वन करंट रहेगा, ठीक ना, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसके पैरेलल में आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखो इन दोनों का 160 और ये 40, तो R क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 140 प्लस 1/60, 1/R इक्वल टू 4 प्लस 1/60, दिस इज 1/R इक्वल टू 5/160, तो R इक्वल टू 160/5, तो R इक्वल टू हो जाएगा 32 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 32 ओम आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 51, 4 रजिस्टर ईच 10 ओम आर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 डायगोनली ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स। देखो इस तरह से हमने 4 रजिस्टर बना लिए, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब सपोज करो हमें यहाँ पर चाहिए है डायगोनल के अंगेंस्ट में, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमने क्या कर ली, बैटरी कनेक्ट। अब यहाँ से करंट निकला आई, यहाँ पर भी आई करंट रहेगा, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर आई बन जाएगा, यहाँ पर आई टू जाएगा, इसमें भी आई वन करंट रहेगा। अब देखो इन दोनों में सेम करंट है, तो सीरीज में रहेंगे, यहाँ पर आई टू करंट रहेगा,
तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में निकल जनरेंट क्या रहेगा पैदल में, 10 और 10 और 10 20 होता है। तो देखो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं छोटे रूप में ए 20 ओम, ओके। इसका भी 10 प्लस 10 20, ये भी 20 ओम रहेगा। ये ए पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा, ठीक है ऐसा। अब इन दोनों को हम पैदल में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे पैदल में, तो 1/R = 1/20 + 1/20, ओके। दिस इज 1/R = 2/20, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम अपना आंसर आ जाएगा, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर, आंसर कितना आ गया 10 ओम आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट 52, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन ईच शोन इन नेटवर्क्स। इनमें से हमें बताना है ये वाले नेटवर्क्स हमें दिए हुए हैं, ओके। देखो कौन कौन से नेटवर्क्स दिए हुए हैं, तो हमें देखो 10 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, ए भी 10 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है, ए भी 10 ओम का। ए और बी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तीनों कैसे होंगे पैदल में होंगे, कैसे होंगे तीनों पैदल में होंगे, तो इसमें हम पैदल के फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, पैदल के फार्मूले का यूज करेंगे हम, ओके। अंडरस्टूड, तो क्या जाएगा 1/R = 1/10 + 1/10 + 1/10, 1/R = 3/10, तो R = कितना आ जाएगा 10/3 अपना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपन समझ लेते हैं, देखो दिस इज 1/R = 1/10 + 1/10 + 1/10, तो 1/R = 3/10, तो R = हो जाएगा 10/3, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 52, 10 ओम इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। अब देखो इसके हम इक्विवेलेंट बनाते जाएंगे, इस तरह से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये दोनों कैसे जाएंगे पैदल में ऐड होंगे, पैदल में ऐड होंगे उनका रेजिस्टेंस आ जाएगा 5, ओके। तो देखो इन दोनों को हमने पैदल में ऐड किया, 10 और 10 को जब हम पैदल में ऐड करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ओके। देखो 1/R = 1/10 + 1/10, तो 1/R = 2/10, तो R = कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम आ गया, क्लियर। ये 10 ओम जो करते हैं, 10 ओम जो करते हैं, 10 ओम है। अब ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में जुड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, सीरीज जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। अब इस 15 और 10 को हम पैदल में ऐड करेंगे, तो 1/R = 1/10 + 1/15 सिंप्लीफाई करेंगे तो R = 6 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा 10 ओम = 6 ओम, तो R = क्या हो जाएगा 16 ओम अपना आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना आंसर 16 ओम इज अवर आंसर, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। अब नेक्स्ट 53, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। 6 ओम का है, 9 ओम का है, ये 4 ओम का है, 6 ओम का है, 7। आगे चल के हम एक व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस अपॉन दिस। यदि ऐसा होता है तो डायगोनल में जो रजिस्टर लगा हुआ है इस रजिस्टर से कोई करेंट नहीं बहेगा, इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहता है, इस रजिस्टर को हम क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, ओके, क्लियर। तो इस तरह से ये बहता है। अब हम इसको आगे देखते हैं, देखो समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, 6/9 कितना होता है 2/3 होता है, 6/9 कितना होता है 2/3 होता है, ओके, क्लियर। 4/6 कितना होता है 2/3 होता है। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इससे कोई करंट नहीं बहेगा, इससे इस रेजिस्टर को हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। तो 6 और 9 कैसे सीरीज में जुड़ेंगे और 4 और 10 सीरीज में जुड़ेंगे, उनके रिजल्टेंट किस में ऐड होगा पैदल में ऐड होगा,
ओके तो देखो मेरा समझते हैं, पहले तो आप इसको समझिएगा। देखो 6/9 निकालेंगे हम तो कितना आएगा 2/3, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 2/3। अब दिस अपॉन दिस करेंगे हम, दिस इज 4/6 तो दिस इज ऑल्सो 2/3, दोनों आपस में इक्वल हैं तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। तो इस रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहेगा तो इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन जाएगा अपना। इक्विवेलेंट सर्किट 6 और 9 सीरीज में आ जाएंगे, 4 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, तो 6 और 9 15 और 10, 15 और 10 को हम क्या करेंगे पैदल में ऐड कर लेंगे, ठीक ना। तो दिस इज 1/15 प्लस 1/15 1/r इक्विवेलेंट, ये 5/30 हो जाएगा, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 53, ये देखो a और b है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम। देखो यहाँ पर ए से डिवीजन हुआ, ए से दो रजिस्टर निकले, एक 2 ओम का रजिस्टर निकला जो सीधे डी पर चला गया, कहाँ पर चला गया डी पर चला गया, और एक 1 ओम का रजिस्टर निकला जो सी पर चला गया। तो देखो इसे इस तरह से हम समझेंगे, इसको समझिएगा इस तरह से हम उसे बनाते हैं। देखो ए है, ए आपका ए है, ठीक ना, क्या है ए है, ओके। इस अब देखो यहाँ पर इस ए से एक 2 ओम का रजिस्टर निकला जो कहाँ पर गया डी पर गया, तो इस ए से 2 ओम का रजिस्टर निकला कहाँ पर जाएगा ये डी तक गया, क्लियर। ए से एक 1 ओम का रजिस्टर निकला वो कहाँ तक जाएगा सी तक जाएगा, तो ए से 1 ओम का रजिस्टर निकला तो वो कहाँ तक गया सी से गया। अब एक सी से डी तक एक 10 ओम का रजिस्टर गया, तो सी से डी एक 10 ओम का रजिस्टर बना लिया ये, ओके क्लियर। अब सी से बी, सी से बी की ओर ए 2 ओम का रजिस्टर गया, तो सी से बी की ओर ए 2 ओम का रजिस्टर बना लिया, ओके क्लियर। ये सी पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट है उस, क्लियर। अब डी से बी की ओर, डी से बी की ओर ये 4 ओम का रजिस्टर गया, तो डी से बी की ओर 4 ओम का रजिस्टर बना लिया, तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका इस तरह से बनेगा, क्लियर। अब देखो इसमें समझते हैं हम, दिस अपॉन दिस 2/4 कितना होगा 1/2 होगा, दिस अपॉन दिस दिस इज ऑल्सो 1/2। अभी दोनों आपस में इक्वल हैं तो ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस ब्रिज से मीनिंग है कि इस जो डायगोनली जो रजिस्टर लगा हुआ यहाँ से कोई करंट नहीं पास होगा, डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल कैसा होगा सेम होगा, इससे कोई करंट पास नहीं होगा। तो जब करंट पास नहीं होगा, अब ए और बी के बीच में हमें निकालना है, तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आई करंट निकला सपोज करो यहाँ से, तो यहाँ आई बन जाएगा, यहाँ पर आई टू जाएगा, ये आई वन करंट यहाँ पर भी जाएगा और ये आई टू करंट यहाँ पर भी जाएगा, तो ये दोनों करंट कैसे जुड़ेंगे सीरीज में जुड़ेंगे, इस तरह से बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। देखो 2 और 4 सीरीज में रहेंगे तो 6 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पर 1 और 2 सीरीज में रहेंगे तो ये 3 ओम हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे पैदल में जोड़ लेंगे, किसमें जोड़ लेंगे इन दोनों को पैदल में, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ओके क्लियर, अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 53 का कौन सा है सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको हम जोड़ते हैं। देखो अब तो कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा 1/6 इफ 2+4 6 ये 1+2 3 1/3, ओके तो 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई साहब 6 आएगा, ये 1+2 तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ओम इज अवर आंसर, 2 ओम क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड। अब नाउ नेक्स्ट 53 का सी देखते हैं, देखो 53 का सी ये बना हुआ है, ठीक है, ये 6 ओम का है जो कि ए से सी जाता है सीधा, ओके सी से फिर सीधा बी पर मिलता है, सी से डी 6 ओम का है और डी से बी 6 ओम का है, ओके अंडरस्टूड क्लियर। देखो तो इसको समझते हैं हम, देखिएगा अब
ए से सी कितने का है, 6 ओम का है, तो ए से सी हमने 6 ओम का बना लिया, ए से सी क्या बना लिया, 6 ओम का बना लिया। अब ए से डी पर कोई रजिस्टर नहीं है तो ए से हमने डी बना लिया यहाँ पर, क्लियर। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पर सी से डी, सी से डी में 6 ओम का रजिस्टर है तो सी से डी में 6 ओम का रजिस्टर बना लिया। सी से बी तक कोई रजिस्टर नहीं है, देखो यहाँ पर सी से बी तक कोई रजिस्टर तो नहीं है, तो सी से बी तक कोई रजिस्टर नहीं है, क्लियर। और डी से बी, डी से बी यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टर है, कितने का रजिस्टर है, 6 ओम का, तो यहाँ पर ही हमने 6 ओम का रजिस्टर बना लिया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये तीनों कैसे आ जाएंगे, पैदल में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, तीनों पैदल में, ओके। तो पैदल में आ जाएंगे तो पैदल का फार्मूला आपको पता ही है, तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम आंसर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा आंसर, 2 ओम, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 54, ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम पर सेंटीमीटर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ओके। एन एग्जैक्टली सिमिलर वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट बी एंड डी, वॉट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द अदर टू कॉर्नर्स ए एंड सी, ओके, ऑफ द स्क्वायर। इफ अ 2 वोल्ट बैटरी बी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, देन वॉट विल बी द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इफ एन अमीटर बी कनेक्टेड अक्रॉस बी डी, वॉट विल बी इट्स रीडिंग, ओके। तो देखो इस तरह से हम उसे करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर रजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का रजिस्टेंस 0.1 ओम दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 ओम दिया हुआ है। तो रजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 × 0.1 = 1 ओम, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ओके। अब बी डी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर √10² + 10², तो 10√2 आ जाएगा। रजिस्टेंस ऑफ साइड बी डी इक्वल टू 10√2 × 0.1 इक्वल टू √2 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 ओम हो जाएगा। इट अब देखो, अब ये √2 ओम हो गया, यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखो किस तरह से बनेगा उसको आप लोग समझिएगा। ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, बी डी पे √2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 ओम। और ए सी पे कितना होगा, ए सी पे यहाँ पर 2 वोल्ट का बैटरी को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, 2 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर ऐड किया गया है, ओके, क्लियर। अब देखो this upon this equal to 1 आएगा, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो यहाँ से इस डायगोनली कोई करेंट नहीं आएगा, तो इस रजिस्टर को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ओके। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 ये दोनों पैदल में आ जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 1 ओम हो जाएगा। अब करंट कितना बहेगा, आर इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, यहाँ पर करंट निकालने थे सेकंड में, उसने क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है, 2, ये 1 है, तो आई हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट बहेगा सर्किट से, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।